हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 16:1 मार्क्स कैसे डिजाइन करना है यूजिंग 8:1 मार्क्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इधर हमने तीन पार्ट्स कर दिए इस पूरे टॉपिक के, इनपुट लाइंस, आउटपुट लाइंस और सिलेक्ट लाइंस। सो अब कॉमन सेंस है, इनपुट लाइंस तो हो जाएंगे एडजस्ट क्योंकि यहाँ पे हमें 16:1 मार्क्स चाहिए, बट हमारे पास अवेलेबल है 8:1 मार्क्स। सो यहाँ पे 8 दे दो, यहाँ पे 8 दे दो, टोटल मिला के हुई 16। मतलब मैंने क्या किया, D0 to D7 एक मार्क्स को दिया और दूसरे वाले 8:1 मार्क्स को दिया D8 to D15। सो मेरा ये पूरा एक हुआ 16 इनपुट्स का सेट। ओके, इनपुट लाइंस का तो बंदोबस्त हो गया। अब आते हैं सिलेक्ट लाइंस पे। ओके, अब सिलेक्ट लाइंस का तो हमें पता है कि क्या इक्वेशन है, 2^3 = 8 इन केस ऑफ 8:1 मार्क्स। यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में ऐसे बोलते हैं कि 2^n = number of inputs वेर n इज नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस। ओके, तो 8 into 1 मार्क्स को 3 सिलेक्ट लाइंस होती है, ये हमें सबको पता है। वैसे ही 16 to 1 मार्क्स को 4 सिलेक्ट लाइंस होते हैं क्योंकि 2^4 = 16। सो ये कहीं पे मैच नहीं हो रहा है, राइट? क्योंकि हमारे पास अवेलेबल क्या है भाई, 8:1 मार्क्स, जिसको सिर्फ 3 सिलेक्ट लाइंस है, और 16:1 मार्क्स डिजाइन करना है उसको तो 4 सिलेक्ट लाइंस चाहिए। तो ये एक का डिफरेंस हमें एडजस्ट करना है, मतलब वी हैव टू एडजस्ट 1 सिलेक्ट लाइन। ओके, अब इसका क्या सॉल्यूशन है कि मैं क्या कर रही हूं अब कि जो 3 सिलेक्ट लाइंस है 8:1 मार्क्स को लगने वाली, वो मैं डायरेक्टली दोनों को सेम दे रही हूं। ओके, 3 सिलेक्ट लाइंस तो कॉमन दी है। अभी अगर हम तीनों सिलेक्ट लाइंस दोनों को सेम दे रहे हैं तो दोनों एक ही टाइम पर एक्टिव हो जाएंगे, राइट? एट ए टाइम एक ही मल्टीप्लेक्सर ऑन रहना चाहिए, राइट? एक मल्टीप्लेक्सर ऑन होगा तब दूसरा मल्टीप्लेक्सर ऑफ होना चाहिए, क्योंकि हमने सिलेक्ट लाइंस तो कॉमन दी है तो दोनों एट ए टाइम ऑपरेट होने वाले हैं। सो वी डोंट वॉन्ट दैट। सो हम क्या करने वाले हैं, S3 को एज एनेबल लाइन डिक्लेयर करेंगे। सो IC का जो एनेबल होता है वो तो एक्टिव लो होता है, राइट? तो हम क्या करेंगे, ये बबल इंडिकेट करता है एक्टिव लो। अब इसको हम नॉट गेट लगा के इस IC के एनेबल पिन पे देंगे। ओके, मतलब ये हुए हमारे सिलेक्ट लाइंस और ये हुआ हमारा एनेबल पिन। ओके, बेसिकली तो क्या होगा कि S3 मतलब सिलेक्ट लाइंस ये जब जीरो होगी तो ये मल्टीप्लेक्सर ऑन होगा, ये मल्टीप्लेक्सर ऑफ होगा क्योंकि यहाँ पे 1 होगा। फिर जब ये S3 1 होगा तब ये IC ऑफ होगा, ये IC ऑन होगा, सिंपल। तो सिलेक्ट लाइंस का बंदोबस्त हो गया। अब एक ही प्रॉब्लम बचता है कि आउटपुट लाइंस का क्या, क्योंकि इसकी एक आउटपुट लाइन है और इसकी एक आउटपुट लाइन है, सो दो आउटपुट लाइंस है, बट 16:1 मार्क्स को तो एक ही आउटपुट लाइन होती है। तो हम क्या करने वाले हैं, और का इस्तेमाल करके हम एक ही आउटपुट लाइन क्रिएट करने वाले हैं। मैं यहां पे और लगाने वाली हूं। सो ये हो गया एक आउटपुट, दूसरा आउटपुट और ये दोनों मिला के हमें फाइनल आउटपुट Y मिलने वाला है, क्योंकि और का तो हमें सबको पता है कि दोनों में से कोई भी वन ऑफ द इनपुट हाई हो फिर भी आउटपुट हाई होगा। तो बेसिकली इनपुट लाइंस का क्या किया हमने, उसको स्प्लिट करके दो मल्टीप्लेक्सर को दे दिया। सिलेक्ट लाइंस का क्या किया, 3 सिलेक्ट लाइंस वैसे के वैसे रखे, S3 को एनेबल लाइन को दिया। आउटपुट लाइंस का क्या किया, आउटपुट लाइंस का दो आउटपुट लाइंस हमने और करके एक फाइनल आउटपुट लाइन बनाई। तो ये हो गया 16:1 मार्क्स यूजिंग 2 8:1 मार्क्स।